जैन साथियों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपेयर नॉलेज। दोस्तों, बात करेंगे आज आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। गाइस, आपके इस पर फाइनल रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। एलडीसी कल रख दोस्तों, ट्रेड्समैन मैट का। गाइज, मुझे पता है दोस्तों आप बहुत समय से वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आखिर क्यों नहीं आया। तो गाइज, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए भाई, ये तो है नहीं कि आर्मी ऑर्डिनेंस वाले आपका किसी पोस्ट का रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, वो रिजल्ट निकाल रहे हैं। जैसे कि आपका फायरमैन का रिजल्ट आया था अभी पीछे, ठीक है, आपका फीमेल सर्चर का उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया था। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स एक बार। देखिए आपको दोस्तों क्या करना है, आपको गूगल पे आना सबसे पहले। तो मैं एक बार गूगल ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा आप। तो गाइस गूगल पे चलते हैं एक बार, ठीक है। तो आपको मैं फाइनली दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको आपका रिजल्ट जो है कि साइट पे आएगा। कईयों को पता नहीं रहता ना कि आपका जो रिजल्ट की साइट पे आएगा। तो आपको फिलअप करना है यहाँ पे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन, तो मैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर साउथ कमांड ऑर्डिनेंस, ठीक है दोस्तों, आपकी ऑफिशियल साइट है। आपका फ्रेंड जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा भाई, साइट पे जरूर आएगा, आपको किसी और साइट को ओपन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एग्जाम रिजल्ट, तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो गाइज देखिए आपका रिजल्ट अभी हाल ही में डाउनलोड हो रहा है, पीडीएफ फाइल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फीमेल सर्चर, तो गाइज देखिए आपका रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं वो, ये नहीं कि आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अब आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप कितना उनको ट्वीट करते हो, कितना आप उनके पास जाते हो, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, देखिए दोस्तों आप एक काम करें, ग्रुप सा बना के आप आर्मी जो सेंटर है वहां पे सिकंदराबाद वहां पे जा सकते हो, और जो आर्मी सेंटर वहां पे देव रोड है पुणे में, आप वहां भी जा सकते हो भाई। क्योंकि भाई आपके जाए बिना कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी जो ये भर्ती है 2017 की है, ठीक है। आपका पेपर कंडक्ट कब करवाया गया, 2019 में। तो मान के चलिए यार, मुझे पता है कि आप सब भूल गए थे इस पेपर को, किसी को पेपर याद नहीं था कि हाँ हमारा पेपर भी होना है। लेकिन देखिए पेपर कंडक्ट उन्होंने करवाया ना भाई, ये तो है नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। भर्ती भी कैंसिल नहीं हो सकती, ये भी बात पक्का है। कई अफवाह यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब चैनल्स हैं जो कह रहे हैं कि भर्ती रद्द भी हो सकती है। देखिए भाई, इस भर्ती बिल्कुल रद्द नहीं हो सकती, इस बात को आप भूल जाओ, भर्ती आपकी 100% क्लियर होगी, ठीक है। और भाई बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ भाई बहुत ही कम जाने वाली है आपकी, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, आपको पता है जब पुणे मतलब पेपर था देव रोड, ठीक है, एलडीसी कलर का, कितने स्टूडेंट आए थे, कुल 450 समथिंग कुछ आए थे, ठीक है। वैकेंसी कितनी थी, 110 वैकेंसी थी आपकी। क्यों नहीं आ पाए थे, क्योंकि वहां पे उस समय दोस्तों बाढ़ आई हुई थी, मतलब काफी समस्या थी, मतलब बारिश ज्यादा थी, ठीक है। कुछ मतलब वैसे नहीं आ पाए, कुछ की ट्रेन लेट थी, सो इसलिए आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों बहुत ही कम जाने वाली है भाई। और पेपर भी आसान नहीं था, आपको पता है जो भी मतलब कितने भी क्वेश्चन थे सब टफ थे भाई, पेपर आसान बिल्कुल नहीं था। आपको पता ही होगा हर एक की जो वैल्यू थी सब ऑप्शन में थी, मतलब कि पॉइंट्स में थी। सो कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाले हैं भाई, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कट ऑफ के ऊपर की, कट ऑफ पता नहीं कितनी जाएगी। कट ऑफ के ऊपर स्पेशली वीडियो बनानी हो आप मुझे जरूर कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बना दूँ कट ऑफ के ऊपर। आप प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है, ठीक है। और देखिए जितना हो सके आप उनको ट्वीट करें यार, उनको आप मैसेज करें, या फिर देखिए आपको पता होगा कि अब आप सबको कॉल आ रही थी मतलब कि आर्मी ऑर्डिनेंस की तरफ से आपको डॉक्यूमेंट के लिए, कई को डॉक्यूमेंट पहुंचे हैं, कई को नहीं पहुंचे, इसलिए रिजल्ट लेट हो रहा है भाई। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कॉल आई है तो आप प्लीज उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। आप एक काम करें, 10th और +2 की मार्कशीट और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो उनको आप फॉरवर्ड करें, उनको भेजिए। और ध्यान दीजिएगा, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का होना चाहिए, ये नहीं कि आप स्कूल मतलब स्टेट लेवल का सेंड कर दो उनको, ऐसा मत करना भाई। आपका जो सेंटर का सर्टिफिकेट होता है वही चलेगा, उसके अलावा आपका सर्टिफिकेट कोई नहीं चलेगा, ओनली सेंटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अब भी नहीं है, आप भी अब भी बनवा सकते हो भाई। अगर आपके पास सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं है आप आराम से बनवा सकते हो, उसके बारे में प्रोसेसिंग मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो बनवा लीजिएगा, ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल लेनी है भाई। देखिए आपको अगर प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको बता रहा हूं मैं, आपके पास सेंटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बिना आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और आपको मैंने बता दिया फ्रेंड, आपकी जो रिजल्ट है इस साइट पे आएगा, आर्मी ऑर्डिनेंस वाले साइट पे, एक ऑफिशियल साइट है, ठीक है, कोई साइट के ऊपर आके चेक करते रहना है। और भाई जितना हो सके उनको ट्वीट करो यार, उनके पास मतलब ग्रुप सा बना के आप जा सकते हो भाई, आपका 100% रिप्लाई मतलब देंगे भाई, वो आपको रिजल्ट जरूर देंगे भाई, ये नहीं कि रिजल्ट नहीं देंगे आपको, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई जब कहते हैं ना भाई, जब उन्होंने पेपर 2 साल में कंडक्ट करवाया, आप खुद सोच के देखो भाई आपका रिजल्ट वो कब देंगे। आप खुद आप मान के चलो, जो उन्होंने पेपर आपका 2 साल में कंडक्ट करवाया है तो देखो रिजल्ट कब देंगे। तो आपसे देखिए आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप कितना इसको सीरियसली लेते हो, कितना उनके पास ट्वीट करते हो, कितना उनको मैसेज करते हो। आपके पास जिस नंबर से कॉल आई थी उनसे बात करो, ठीक है, सीधी सी बात है भाई, उनसे बात करो, तभी वो कुछ मतलब एक्शन लेंगे, वरना आप भूल जाओ, रिजल्ट बहुत ही लेट होने वाला है।
सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उनके पास ग्रुप सब बना के जाएं, उनसे बात करें, ठीक है, उनके सेंटर पे जाके पहुंचे। आप सब पुणे देव रोड हो या फिर सिकंदराबाद हो, आपका दोस्तों रिजल्ट तभी तुरंत आएगा भाई, आपको बिल्कुल मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा अगर आप ए एक्शन लेते हो तो, वरना भाई आपका जो रिजल्ट है लेट होने वाला है। क्योंकि भाई आपको पता है जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी वजह से सब कुछ भूल चुके हैं, किसी को कुछ याद नहीं है, लेकिन देखिए जिन्होंने स्टडी अच्छे दिल लगा के किए भाई उनको तो सब कुछ याद रहेगा भाई, उनको मतलब ये नहीं कि रिजल्ट भूल गए, जिन्होंने दिल से पेपर दिया है वो तो याद रखेंगे भाई। तो वही बात है, अपना सीरियसली होएं और वहाँ पे जाएं, ग्रुप सा बना के आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको दोस्तों कुछ भी मुझसे बात पूछनी हो किसी भर्ती के बारे में, किसी भी आर्मी जॉब के बारे में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको 100% दोस्तों रिप्लाई दूंगा। ये भाई चैनल आपका है, आपको सपोर्ट करना है, सो प्लीज जितना हो सके चैनल सब्सक्राइब करना और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपकी चैनल सब्सक्राइब करने से, वीडियो लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे आपको ऑप्शन दिखा हुआ रेड कलर सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन हो, जरूर मुझे कमेंट करें। आपको कुछ भी बात पूछनी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका 100% दोस्तों रिप्लाई करूंगा। एंड थैंक यू सो मच, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।